बाहर के लोग आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी खूबसूरत जगह चोपता से, जहाँ का नज़ारा सुबह सुबह का तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, मैं वापस जाने की तैयारी में हूँ। बहुत सारे लोग जो भी आज कल यहाँ पे आए होंगे, सब लोग वापस जाने की तैयारी में हैं लगभग 9 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह उठना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। हम तो अगस्त मुनि जैसी जगह पर नहीं उठते हैं जल्दी, तो यहाँ पर तो फिर भी इतनी ठंड है और सुबह उठना थोड़ा धूप से पहले पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल 9 बजे तक यहाँ पर बढ़िया धूप आ चुकी है, बढ़िया मौसम हो गया है और अब जाने के लिए मैं तैयार चुकी हूँ। आप सामने की पहाड़ देख रहे होंगे किस तरह से लगभग बर्फ से लदे हुए हैं। कुछ समय बाद और ज्यादा बर्फ होने वाली है, लेकिन जो पहाड़ सामने है वो लगभग साल के 12 महीने बर्फ से भरे होते हैं। आप सामने की कुछ पहाड़ियां देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत लग रही है। नीचे बहुत घना जंगल है, लेकिन ऊपर आप देख रहे होंगे कि किस तरह के पठार जैसे पहाड़ हैं, जहां पर एक भी पेड़ नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर ज्यादातर बर्फ गिरी होती है, इस वजह से वहां पे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और समय भी हो चुका है, लगभग लोग अब आना स्टार्ट कर रहे होंगे आज के दिन वाले, तो इक्का दुक्का गाड़ियां भी नीचे की तरफ से आने लग गई हैं। बाहर के लोग आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि शांत जगह है, खूबसूरत जगह है और लोग ज़्यादातर यहाँ पे स्टे करने के लिए आते हैं। तो आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो लोग यहाँ पर रुकते ही हैं रात को। तो अभी सब लोग जाने की तैयारी हो गई है, मेरी तरह सभी लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रात को रुकने के लिए ही आते हैं, स्टे करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकने की कोई समस्या नहीं है। आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पूरे टेंट हैं, नीचे हैं होम स्टे है और नीचे भी बहुत तरह की, मतलब जितनी भी सारी जगह आपको मिलेंगी, तो सब जगह रुकने खाने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पीछे मैं रुकी हुई थी और यहीं पे जहाँ पे मैं जिनके यहाँ रुकी हुई थी अंकल जी के यहाँ, तो उनका बिल्कुल रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आपको पूरी व्यवस्था के साथ खाने पीने की, नाश्ता लंच डिनर ये सारी की तरह की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। फिलहाल मैं जिस गाड़ी से जाने वाली हूँ वो गाड़ी जाने वाली है लगभग 2 से 3 बजे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ अपनी ही लेके आते हैं लोग, और जिनको बुक करके जाना होता है उनको टाइमिंग दी जाती है कि आपको इतने बजे जाना है। तो मुझे जिस गाड़ी से जाना है वो 2-3 बजे जाएगी। तो मेरे पास अभी पूरा दिन है, लगभग 2-3 घंटे है, तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया सी जगह पर जाके मैं कुछ कुकिंग कर लूँ, क्योंकि मैं सामान तो लेके ही आई थी और मैं एक झूला भी लेके आई थी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखते हैं कि क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है। तो बिल्कुल ऊपर रोड है जहाँ पे आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से मैंने ये वाली जगह चूज की है कैंपिंग के लिए थोड़ी सी।
तो मैं यहाँ आई थी कैंपिंग के इरादे से और अपना टेंट तो मैं लगा नहीं पाई, लेकिन उसके अलावा जो मैं सोच के आई थी कि मैं झूला लगाऊंगी और मैगी वगैरह बनाऊंगी बड़ी ऐसी लोकेशन पे, तो वो चीज़ पूरी हो गई है और मेरे पास पूरा टाइम था तो मैंने मैगी बनाई है, यहाँ पे झूला लगाया है और चाय तो मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, लेकिन मैं चाय वहाँ से होटल से लेके आई हूँ थर्मस पे पैक करके।